में गए सबके साथ, करीब करीब 100 साल के बाद में कृष्ण ब्रजवासियों से मिले, 100 साल के बाद में। इसलिए महाप्रभु का जब भाव में वही राधा रानी और कृष्ण कौन, वही ब्रजेंद्र जगन्नाथ जी कृष्ण हैं, जब बड़े दिनों के बाद में मिले तब श्री राधा रानी कहते हैं, श्याम सुंदर मैं भी वही राधा राधा हूँ, आप भी वही कृष्ण हो। लेकिन जो आनंद हम वृंदावन में मिलता था, जब यमुना नदी कलकनाद बह रही है, जबर बेली चमेली सुंदर सुंदर फूल जहाँ पर खिल रहा है, हैं, जहाँ पर कोयल कूकती हैं, मयूर के का करते हैं, जब हम वहां पर मिलते थे उसी समय में जो हमें आनंद आता था, ये आनंद यहाँ नहीं आ रहे। यहाँ पर तो हाथी घोड़ा सैन्य सामंत, अब की सर पर मयूर मुकुट है कहाँ, अब की बंसरी कहाँ है, वो तो कुछ है ही नहीं। वृंदावन का कोई भी चिन्ह तुम्हारे अंदर में, कोई वृंदावन का चिन्ह नहीं। अगर आप मेरे को प्रसन्न करना चाहते हो, मेरी हृदय रूपी रथ में बैठो, आपको मैं अपना हृदय रूपी रथ में बैठा करके आपको हम वृंदावन ले चलेंगे। जब वृंदावन में जमुना किनारा में कुंज में हम मिलेंगे तभी हमें आनंद मिलेगा। इसलिए जो रथ यात्रा किया है राधा रानी कृष्ण को हृदय रूपी रथ में बैठा कर ले जा रहे हैं। जब ले जा रहे थे महाप्रभु उसी भाव से रथ यात्रा को, उसी भाव से महाप्रभु रथ को खींचते थे, खींचते खींचते महाप्रभु यही पर आकर के, यही पर आकर के उसी राधा भाव में विभावित हो जाते, विभावित होकर के कैसे श्याम सुंदर रासलीला करते करते श्याम सुंदर जैसे ब्रज गोपियों को त्याग दे दिया, देख रहे चले गए। और गोपियां क्या कह रही है, कृष्ण को ढूंढते ढूंढते जब कृष्ण मिले नहीं, बोले मिलेंगे कैसे, बोले वो सबसे उनका कीर्तन प्रिय है, चलो हम बैठी करके यमुना किनारे में उनका कीर्तन करेंगे। जब उन्होंने कीर्तन करते करते जब उन्होंने श्री जो प्रताप रुद्र राजा था, जो प्रताप रुद्र जो राजा था वो था राजा, महाप्रभु ने कहा भैया मैं विषय व्यक्तियों का दर्शन करना नहीं चाहता हूँ, ये विषय व्यक्ति इनको दर्शन से हृदय में भी विषय की भावना आ जाती है। लेकिन महाप्रभु बोले अगर महाप्रभु, ये राजा बोले अगर महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे, कान में कुंडल पहन करके मैं साधु बनकर चले जाऊंगा, सन्यासी बनकर छोड़ चले जाऊंगा, हैं। लेकिन महाप्रभु बोले दर्शन नहीं दूंगा। लेकिन जो राजा, जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे ना, सबके लिए व्यवस्था कर, कहाँ रहेंगे, रोज प्रसाद पाएंगे, खूब संत सेवा करते थे, खूब वैष्णव सेवा करते थे, और सबके सब महाप्रभु उनके ऊपर प्रसन्न थे, जितने महाप्रभु का भक्त प्रसन्न थे। जब यहीं पर महाप्रभु शयन किए हुए थे, इतने में राजा को बुलाया, बोले जल्दी जल्दी आओ, सारे वस्त्र को त्याग करके एक साधारण सफेद धोती पहनो, पहन करके महाप्रभु की चरण की सेवा करो। तो उन्होंने महाप्रभु का चरण सेवा कर रहे थे, उन्होंने गोपी गीत गा रही थी, गाते गाते उसमें जो जब जो भजन आता है, जो तब कथा मृतम तब जीवनम कभी विरीडितम काल मसापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिगाजना। जब उन्होंने ये श्लोक को बोले ना, है बोले हे श्याम सुंदर, जब अत्यंत बिना अवस्था में राधा रानी ब्रज गोपियां होती हैं, उसी समय में उनको सांत्वना कौन देती है, बोले भगवान का कीर्तन कृष्ण कथा, बोले कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई फर्क नहीं, एक ही है, कृष्ण कृष्ण कथा एक ही है। जब उन्होंने बोले हे श्याम सुंदर तुम्हारी जो कथा है ना अमृत है, जो उत्तप्त जीवन को शांत करने वाले तुम्हारी कथा है, जीवन को मंगलमय बनाने वाले तुम्हारी कथा है, और जीवन में सौंदर्य श्री ऐश्वर्य देने वाले तुम्हारी कथा सुनने से संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। जगत में बहुत बड़े बड़े दान हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है, जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को दान करते हैं। जब यही बात बोले ना महाप्रभु, तो राधा जी की भाव में लेट हुए थे, महाप्रभु खुश प्रसन्न होकर के राय रामानंद को आलिंगन किया, बोले क्या तुमने मेरे को अमृत पिलाया, क्या अमृत पिलाया। और यहीं पर महाप्रभु का आलिंगन राजा पा करके अपना जीवन को उन्हें धन्य धन्य माने। और यहीं पर ही श्री राय रामानंद जो सबरे गए थे ना, हम लोग जो सबरे, तुम लोग तो गए नहीं, इसलिए जो राय रामानंद जहाँ जन्म स्थान, श्री राय रामानंद प्रभु का जहाँ जन्म स्थान हम लोग जहाँ गए थे, कौन थे वो गवर्नर थे कृष्ण लीला में, कौन थे बोलो, क्या क्या क्या, क्या थे बोलो, विशाखा सखी, ललिता का कुछ अंश है, अर्जुना सखी है। इसलिए वो यहीं पर रह करके सब उस समय गवर्नर थे,
पूरा दुनिया को चलाया करते थे यही पर रह करके। और यही से ही राय रामानंद जो गंभीरा यहीं से रोज जाते थे और महाप्रभु के साथ में बैठ करके दिन रात कृष्ण कथा में एकदम कृष्ण कथा में जीवन बिताया करते थे हैं। इसलिए ये राय रामानंद प्रभु का यही निवास स्थल भी श्री राय रामानंद प्रभु का यही। यहाँ पर और बहुत सारी कथा हैं। एक समय श्री किसी भक्त ने नाम था प्रद्युम्न मिश्र, उन्होंने महाप्रभु के पास में गए, बोले प्रभु हम कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। बोले भैया कृष्ण कथा अगर सुनना चाहते हो मेरे से ज्यादा ये राय रामानंद जानता है क्योंकि ललित दिशा का सखी है, इसलिए इनके पास में जाओ। जब उन्होंने यहीं पर आए बोले मैं राय रामानंद से मिलना चाहता हूँ, वो क्या कर रहे हैं? बोले लड़की 15-16 साल लड़कियों को उन्होंने एक नाटक लिखा है जगन्नाथ बल्लभ वाटिका, जगन्नाथ बल्लभ नाटक, उन्होंने एक सुंदर नाटक लिखा। वो नाटक के ऊपर में जगन्नाथ जी को सामने लड़कियां सुंदर रूप में उनको उनको क्या करे उनको नृत्य करे, जगन्नाथ जी को सामने उनको ड्रेस पहना रहे, उनको ड्रेस पहना रहे। बोले भैया महाप्रभु इनको पास में भेज दिया कथा सुनने के लिए, और ये कैसे साधु जो लड़कियों को श्रृंगार कर रहे, इनकी भक्ति तो नीचे आ गया। बोले ये कैसे संत है? चले गए फिर महाप्रभु के पास। बोले प्रभु आप कथा सुनाओ। बोले कथा नहीं सुने, महाप्रभु तो समझ गए। बोले अगर कथा सुनना चाहते उनको पास में कथा सुनाओ, मेरे से ज्यादा कथा हो चिड़ते वही तुमको सुनाएंगे। फिर जब आकर के प्रार्थना किया, क्या उन्होंने कृष्ण कथा सुनाया, अद्भुत उन्होंने कृष्ण कथा सुनाई। जिस कथा को सुन सुन करके निहाल गए, बोले क्या अद्भुत कथा है, जिंदगी में मैंने कभी ऐसी कथा नहीं सुनी। फिर उनको प्रति भक्ति भावना आई, नहीं इनके चरण मेरे अपराध हो गए। क्यों? वो कृष्ण लीला में श्री पिसा का सखी, अभी तो वो पुरुष रूप में आए, देखने बोले तो पुरुष लग रहे हैं लेकिन वो कौन है? वो विशाखा सखी। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु का बहुत सारी लीला हुई। महाप्रभु यहीं पर, महाप्रभु राधा जी का भाव में सोते थे कहाँ पर, गंभीरा में। महाप्रभु को राधा जी के भाव में जैसे कृष्ण के साथ में रासलीला से अंतर्ध्यान होने पर कैसे राधा रानी उनको खोज रहे हैं, श्याम सुंदर कहाँ, श्याम सुंदर कहाँ, यही महापुरुष रात में आ जाते, आकर के पेड़ को लता पता में जैसे कृष्ण कभी छुप जाते हैं ना, चलिया है छुप जाते हैं, राधा रानी उनको ढूंढते हैं। यहीं पर चंद्रमा का रात में राधा रानी महाप्रभु उनको ढूंढते थे, कहाँ पर कृष्ण, कहाँ पर कृष्ण, इसी कुंज में महाप्रभु यहाँ पर उसी भाव में महाप्रभु डूब जाते थे। इसलिए यहाँ पर भगवान की बहुत बहुत सारे लीला हुई है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री राय रामानंद प्रभु की विदाई गौर भ्रमण हरि हरे कृष्ण। आर यू अंडरस्टैंड? नो भाई, नो भाई, एक कहाँ गया वो हीरो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध कहाँ गया, कहाँ है? उसी समय में अगर सेम टाइम में कर दो तो बोल दो, यहाँ पर प्रणाम करो और चलते हैं, ठीक है? ए, तुम क्या कर रहे हो? तुम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करोगे? इधर आओ।